वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिंध के दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कंबर शहदादकोट और दादू में सैलाब से मुतासर इलाकों में जाएंगे। सैलाब जदगान से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी साथ होंगे। इससे कबल एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता रोज अपने दौरा बलोचिस्तान के दौरान उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर मच आयशा जहरी और NHA के अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात की, जो शाहराओं, पब्लिक वर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तनदेही से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन समेत पूरी कौम को इन हीरोज पर फख्र है। इमरान खान का कहना है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने 4 माह में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे में अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा, IMF अपनी शराइत पर कर्ज देता है। IMF कह रहा है पाकिस्तान में कमजोर हुकूमत है, सरमायाकारी नहीं होगी, सनातें नहीं लगेंगी, कीमतें ऊपर जाएंगी। इमरान खान का कहना था, इंडस्ट्री बंद और बेरोजगारी बढ़ रही है, हमने सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया और पेट्रोल सस्ता दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 4 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। 4 माह में कौन सी कयामत आ गई कि महंगाई आसमान पर पहुंच गई। इमरान खान ने सैलाब से बचाव के लिए डैम्स बनाने पड़ेंगे। फखर से कहता हूं, 50 साल बाद हमारी हुकूमत ने 10 डैम्स बनाए। पानी आता है तो उसको निकालने के लिए ड्रेंज सिस्टम चाहिए। इतवार को फिर टैली ढूंढ करके अरबों रुपए जमा करूंगा। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नसीबी इलाके जेरे आब आ गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश हुई, जिससे रावलपिंडी के नसीबी इलाके जेरे आब आ गए। उसके अलावा भिम्बर आजाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे, जबकि गुजरात में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने इमरान खान के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि पाकिस्तान में हर जर्नील मुहिब्बे-वतन है। सिपाही से लेकर जर्नल तक किसी को भी मुहिब्बे-वतन होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तफसीलात के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन का कहना था, कौम किसी को इजाजत नहीं देगी कि वो अपने जलसों में पाक फौज और उसके जर्नीलों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करे। हमारी पूरी फौज तगड़ी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के बैटर मोहम्मद रिजवान ने भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। T20 इंटरनेशनल कैरियर की 48 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वालों की फहरिस्त में रिजवान दूसरे नंबर पर आ गए। भारत के विराट कोहली ने 48 T20 इनिंग्स में 1852 रन्स बनाए थे, जबकि रिजवान ने 48 इनिंग्स में 1854 रन्स बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ इनिंग्स का 70वां रन लेकर कोहली को पीछे छोड़ा। T20 इंटरनेशनल कैरियर की इब्तदाई 48 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन 1916 पाकिस्तान के बाबर आजम ने बनाए हैं।